एवरीवन, जय श्री कृष्ण एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शेफाली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी और सेफ होंगे। और अभी वापस से आज हम लोग जा रहे हैं कहीं, मतलब मम्मी और मैं, तो हम दोनों जा रहे हैं कुछ करने। तो अभी बस मम्मी रेडी हो रही है, फिर जैसे ही हम लोग निकलेंगे ना, तब हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा नहीं, सिर्फ कुछ सेकंड का ही वेट करना होगा, क्योंकि बस अभी मैं यहाँ से उधर जाऊँगी और फिर मम्मी तब तक रेडी हो ही जाएंगी। तो फिर मैं आपको मम्मी से रेडी होने के बाद ही मिलाऊँगी। तो अभी हम लोग चलते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम हो गए हैं रेडी और अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग करने, काफ़ी दिनों के बाद मम्मी और मैं। दिखाते हैं आपके कपड़े। बताना नहीं है कि कपड़े लेने जा रहे हैं। मम्मी जूडियो पे और उधर सामने था। तो एक्चुअली वापस घर आ गए हैं और थोड़ा बहुत ही शूट करा, क्योंकि मुझे देखना था, फिर अगर मैं शूट करती तो देख नहीं पाती, तो मैं ये लेके आई हूँ। अब इसमें से मैं क्या क्या लेके आई हूँ वो बताऊँगी आपको कल। और पहले हम गए थे, क्या था वो, विशाल था या वी मार्ट था, पता नहीं क्या था वो। और उसके बाद हम लोग गए थे जूडियो, वहाँ से हम लोग लेके आए हैं टी शर्ट। सो वो सब सामान मैं आपको दिखाऊंगी कल, क्योंकि अभी 9 से भी ज़्यादा हो गई है, तो फटाफट से चेंज करते हैं। और गर्मी भी बहुत हो रही है, फिर खाना खाएंगे और प्यास भी बहुत लग रही है। तो मैं अब आपसे मिलूँगी कल। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम लोग कल रात को क्या लेके आए थे। तो कल तो मैं बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो इस वजह से मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी कि मैं क्या लेके आई हूँ। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और एक बात और बताती हूँ, मेरी जो सेल्फी स्टिक, मतलब जिससे मैं जिस स्टिक को यूज़ करके ब्लॉग शूट करती थी ना, वाली स्टिक पता नहीं कहाँ गई, मिली नहीं रही। तो अब मैं एक दूसरी वाली स्टिक ऑर्डर करूँगी। सो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई थी, ठीक है? ओके, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं कल शॉपिंग में क्या शॉपिंग करके आई हूँ। तो पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैं नॉर्मल टी शर्ट लेके आई हूँ। अब ये जो दो टी शर्टें थी ये मैं लेके आई हूँ जूडियो से। तो पहला वाला है ये वाला, प्लेन है और इस पर बस एक ही हल्का सा डिज़ाइन है और अच्छा थोड़ा लाइट वेट सा रहेगा। तो एक मैं ये वाली टी शर्ट लेके आई हूँ और इसके बाद आप लोगों को बताऊँगी कि आखिर, ठीक है। बट उसके पहले दिखा देती हूँ कि एक जो दूसरा वाला था वो ये वाली टी शर्ट है। तो ये पूरा प्लेन है, वी नेक वाला, जैसे ये वाला वी नेक है, बट इन दोनों के फैब्रिक में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, चिकना जैसा है और ये एकदम नहीं है चिकना। और बेसिकली ये जो दोनों है ना, ये मैं लेके आई हूँ जो बॉयज़ सेक्शन होता है ना, उसमें से। बताने वाली बात नहीं थी बट बता दी मैंने आप लोगों को। तो मैं लेके आई थी ये दो जूडियो से, क्योंकि लड़कियों वाली जो थी ना, उनकी लेंथ काफ़ी छोटी होती है, तो फिर ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, और फिर घर पर तो बड़ी बड़ी कैसी भी हो सब चल जाती है। तो मैं ये दो लेके आई हूँ घर पे पहनने के लिए। उसके अलावा मैं क्या लेके आई हूँ, उसके अलावा मैं एक ये वाला टॉप लेके आई हूँ। इसकी स्लीव्स ऐसी हैं, हल्की सी पफ वाली, और यहाँ पर इलास्टिक है,
और ये रहा वो टॉप, तो इसका फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, एकदम लाइट लाइट सा, गर्मी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसके अलावा मैं लेके आई थी एक ये शॉर्ट कुर्ती है, ये इतनी, और इस पे आगे ये हल्का सा बस ऐसा पैटर्न है, बाकी पूरा प्लेन है। और गर्मियाँ है तो गर्मियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक ये वाला कुर्ता लेके आई हूँ, और एक ये टॉप और दो टी शर्ट। और उसके अलावा एक मुझे बेसिकली इसका प्रिंट काफ़ी अच्छा लगा, सो ये वाला जो है ये सिर्फ उसके प्रिंट की वजह से आया है, बट पहन के भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं आखिर क्या लेके आई हूँ। ये इसकी स्लीव्स ऐसी है, और यहाँ पर इसमें बटन दिया है, ठीक है, ये इसकी भी स्लीव्स रखी है, और ये है इतना इसका आगे वाला। ये जो है ना, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन आ रहा था इसको पहन के। ये भी शॉर्ट कुर्ती ही है, ये है ऐसी ही, आगे से थोड़ी सी लंबी है और पीछे से थोड़ी शॉर्ट पैटर्न पे है। सो ये ऐसा पैटर्न है इसका। मुझे इसका जो प्रिंट और इसका जो कलर था ना, वो काफ़ी अच्छा लगा, और ये कॉटन का है तो गर्मियों के लिए और कैसी भी किसी भी सीज़न के लिए काफ़ी अच्छा है। और ये वाला जो है ये भी कॉटन का ही है, तो दो ये कॉटन के शॉर्ट कुर्ती और एक ये वाला थोड़ा सा ऐसा घूमने फिरने जाने के लिए हल्का सा टॉप ले आई हूँ, और ये घर में पहनने के लिए दो टी शर्टें। तो मैं ये लेके आई थी, बट मैंने वहाँ पर ना और भी कुछ कुछ थे जो ट्राई करके देखे थे, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी। उसमें एक जीन्स थी, वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, बट उसका वही था थोड़ा सा ना साइज़ का इशू था, वो थोड़ी सी, और मुझे जो साइज़ चाहिए था वो वाला साइज़ नहीं मिला उसमें, बट मैंने फिर भी ट्राई करके देखा था, तो थोड़ा सा ऐसा लूज़ पैटर्न पे था, मुझे थोड़ा सा उसका एक छोटा साइज़ चाहिए था जो कि मुझे नहीं मिला। और उसके अलावा मैंने जो जो देखा है वहाँ पे ट्राई करके, पहले मैं वो आप लोगों को दिखा देती हूँ, उसके बाद आपसे बताती हूँ। क्या क्या था जो मैंने ट्राई करा था, अब उसमें से आपने जैसे देखा ही होगा, मैंने एक वाइट कलर का शॉर्ट कुर्ती थी वो ट्राई करी, बट उसका ना फैब्रिक थोड़ा सा मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लाइट था पहनने के बाद। और जो एक क्रीम कलर का था उस पे थोड़ा सा मुझे उसका पैटर्न ऐसे देखने पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट जब उसे पहना ना तो उसका इतना अच्छा कोई लुक नहीं आ रहा था, तो इस वजह से मैंने उसको भी स्किप कर दिया। उसके अलावा मैंने एक नाइट वेयर के हिसाब से देखे थे, बट वो थोड़े काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट थे, तो इसलिए वो भी नहीं लिए। सो बेसिकली दो तीन चीज़ें ही थी जो मैंने नहीं ली, बाकी हमने जो तीन चीज़ें थी वो तो हमने ले ली, क्योंकि उसका साइज़ डिज़ाइन और क्वालिटी और पहनने के बाद लुक ना बहुत ही अच्छा आ रहा था। बॉटम वेयर का जो था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अखरा, क्योंकि वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, और उसका जो कलर था ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब मैं क्या करूँगी, वो जो है ना उसमें की एक बॉटम वेयर ढूंढूंगी ऑनलाइन, और फिर मैं ऑनलाइन मंगाने की सोच रही हूँ, तो देखते हैं उसको भी क्या करते हैं। बट इस वाले वीडियो के इतना ही, आई होप कि आपको आज का ये जो मेरा छोटी सी शॉपिंग वाला ब्लॉग था वो अच्छा लगा होगा। अभी ये शॉपिंग वाला ब्लॉग क्यों हुआ ये मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि ना कुछ सोचा था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि कोई ज़रूरत थी इन्हें खरीदने की, बस ऐसे ही मूड हो गया तो थोड़ी सी शॉपिंग कर ली, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने कोई शॉपिंग भी नहीं करी थी। तो हाँ, एक ये मैंने शॉपिंग कर ली, और इससे पहले मैंने वो सीरम वगैरह भी मंगवा लिए, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सही रहे। मैं उसमें से एक सीरम है जो अभी यूज़ कर रही हूँ पिलग्रिम का, जो कि काफ़ी
बहुत ही बहुत अच्छा है। अगर आप भी सोच रहे हो ना तो हाँ, आप लोग पिलग्रिम का बिल्कुल यूज़ करके देखिएगा। उसके मतलब मुझे तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ओके, तो इस वाले वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज का ये जो व्लॉग था ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आपको करना है लाइक, कमेंट और शेयर। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको करना है सब्सक्राइब। हम लोग मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।